देखिए इस वीडियो में। ईद का त्योहार हो गया, लोगों ने सिवैयां खा ली, एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे दी। राहत इंदौरी का एक शेर है, सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। ये शेर सियासी धुरंधरों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। ईद की बधाई देने के लिए और सियासी मजबूती पाने के लिए ईद की बधाई देने में नेता भी पीछे नहीं रहे। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपने अपने तरीके से ईद की बधाई दी, लेकिन अगर ये ईद सबसे ज्यादा शानदार किसी के लिए रही तो वो है मुरादाबाद के लिए। मुरादाबाद में वेव मॉल के बाहर एक लड़की खड़ी हो गई, उसने लोगों को गले मिलकर बधाई दी। बस फिर क्या था, लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई, हर कोई इस लड़की से गले मिलने के लिए बेकरार हो गया। मानो ये ईद की मुबारकबाद नहीं बल्कि जादू की झपकी है। और इस झप्पी के लिए लोग लाइन में लगकर इंतजार करते नजर आए। लड़कों से गले मिलने के बाद ये लड़की अचानक से गायब हो गई, लेकिन मुरादाबाद का ये वीडियो तेजी से वायरल है। हर कोई ये जानने के लिए बेकरार है कि आखिर ये लड़की है कौन और यूं गले मिलकर बधाई देने के पीछे इसका मकसद क्या था। कुछ लोगों का कहना है कि लड़की अपनी सहेलियों के साथ आई थी और ऐसा हो सकता है कि लड़की की अपनी सहेलियों से कोई शर्त लगी हो जिसे पूरा करने के लिए उसने ऐसा किया। हालांकि कुछ भी रहा हो, लेकिन एक अनजान लड़की का इस तरह आना, कई लोगों से गले मिलकर बधाई देना और फिर अचानक गायब हो जाना लोगों के बीच में मुद्दा बना हुआ है। और देखते ही देखते ये लड़की सोशल मीडिया पर छा गई है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। मिलो तुम गले सबसे आई है ईद, मुबारक मुबारक आई है ईद, ईद मुबारक।